हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। वेलकम बैक अगेन। सो फ्रेंड्स, स्प्रिंग सीजन आते ही प्लांट्स में न्यू ग्रोथ आने लगती है, प्लांट भी खूबसूरत सा शेप लेने लगते हैं, नए स्टेम्स नए लीफ भी दिखने लगते हैं प्लांट में। हम सारे गार्डनर प्लांट की नई नई कटिंग भी लगाने लगते हैं, सो दैट स्प्रिंग और समर में हमारा गार्डन भी तरह तरह के खूबसूरत और डेकोरेटिव प्लांट से भर जाए। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे किसी भी प्लांट की कटिंग लगाई जाती है। इसके साथ ही मैं अपने गार्डन से आपको टॉप एंड परमानेंट प्लांट भी दिखाऊंगी, जिसे आप भी, इनफैक्ट बिगनर्स भी, इन सारे प्लांट की कटिंग ईजिली ग्रो कर सकते हैं और फ्री में नए नए प्लांट भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो में बने रहे, डेमो करके हम दिखाएंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी प्लांट की कटिंग को ईजिली ग्रो कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की गार्डनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नंबर वन टॉप एंड परमानेंट कटिंग प्लांट है इंग्लिश आईवी। इंग्लिश आईवी की कटिंग बहुत ही ईजली लग जाती है। इनके स्टेम कटिंग को हम सॉयल में भी और वाटर में भी ईजली इसमें रूट प्रोपगेट कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसकी कटिंग को ले लेंगे। इसकी छोटी बड़ी कोई भी स्टेम कटिंग लग जाती है। इंग्लिश आईवी की एक्स्ट्रा लीफ को हम निकाल देंगे और इन्हें हम सॉयल में लगा देंगे। और ये है इंग्लिश आईवी की दूसरी वेराइटी, ये बड़े लीफ वाली है। तो कई सारी वेराइटी में होते हैं इंग्लिश आईवी और ये भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं हैंगिंग बास्केट में। तो अभी हम इसे भी लगा देंगे। ये खूबसूरत से प्लांट है ट्री क्रॉप स्टोन, जो साइक्लेंट होते हैं और परमानेंट और हार्डी तो होते ही हैं। इनके स्टेम कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है, बिगनर्स भी इसे ईजिली ग्रो कर सकते हैं और इनकी छोटी बड़ी कोई भी स्टेम लग जाएगी। इनफैक्ट ये विंटर में भी काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। हेज को कवर करने में इनका यूज़ होता है। सन लविंग प्लांट होते हैं तो इनको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे धूप आती हो 2-3 घंटे की। ये छोटी सी कटिंग मैंने 10 दिन पहले लगाई हुई थी और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसमें भी। और नेक्स्ट प्लांट है ये फ्यूशिया। फ्यूशिया में भी 2-3 वेराइटी है मेरे पास और ये पर्पल कलर की फ्यूशिया हैंगिंग बास्केट में ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये पूरे प्लांट को ही फूलों से भर जाते हैं। इसमें बहुत ही खूबसूरत बेल की तरह दिखने में फ्लावर आते हैं, रंग बिरंगे रेड वाइट पर्पल, और इनकी कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है। इस तरीके से हम एक्स्ट्रा लीफ को निकाल देंगे और आप देख सकते हैं मैंने 2 स्टेम कटिंग ली है, छोटी और बड़ी। तो इनकी छोटी बड़ी दोनों ही स्टेम कटिंग लग जाती है। इनको हम तिरछा इस तरीके से कट लगाएंगे, एक्स्ट्रा लीफ को निकाल देंगे और इनकी स्टेम कटिंग को भी हम लगा देंगे। फ्यूशिया परमानेंट और हार्डी प्लांट होते हैं, इसे हम बेल फ्लावर के नाम से भी जानते हैं और ये शेड लविंग प्लांट होते हैं। ये है हैंगिंग जिरेनियम। हैंगिंग जिरेनियम में भी डिफरेंट वैरायटी और फ्लावर्स के कलर होते हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। पूरे साल इसमें फ्लावरिंग होती है, इसकी कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाएगी। स्टेम कटिंग तो मैंने जगह जगह पे इसकी लगाई हुई है और आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बिगनर्स भी इसे लगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली ये लग जाती है। इसकी भी एक्स्ट्रा लीफ हम निकाल देंगे और ये स्टेम कटिंग तैयार हो गया है और देख सकते हैं ये साथ ही हैंगिंग बास्केट में कितना खूबसूरत लग रहा है ये हैंगिंग जिरेनियम। तो इसमें ही हम दूसरे साइड में इसको लगा देंगे और इसकी कटिंग प्रूनिंग करते रहने से ये बुशी भी होते हैं और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। ये भी जिरेनियम की ही वैरायटी है और ये जिरेनियम की कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाएगी। तो आप जिरेनियम की सारी कटिंग ही ट्राई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ये जेट प्लांट। जेट प्लांट की कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जेट प्लांट आपके गार्डन को काफ़ी अच्छा लुक देंगे और साल भर में ही ये पूरे पॉट को कवर कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट, जैसे जैसे मैच्योर्ड होते हैं ये हैंग होते जाते हैं। तो हैंगिंग पॉट में इसे लगाएं तो ये और भी खूबसूरत लगते हैं। और ये भी शेड लविंग प्लांट होते हैं, बहुत तेज़ धूप में भी और बहुत ठंडा में भी इनको नहीं रखना है। अब हम सारे स्टेम कटिंग को इकट्ठा करेंगे और एक साथ इन्हें हम पॉट में लगाएंगे। और फ्रेंड्स, स्टेम कटिंग लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, किन बेसिक टिप्स को हमें फॉलो करना होता है, इन सब के अलावे कटिंग्स को लगाने के लिए कौन सा सॉइल मिक्स परफेक्ट होता है वो भी हम देखेंगे, तो बने रहिए। ये है रेड रोज़ की स्टेम कटिंग। रोज़ की भी स्टेम कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है, बहुत अच्छा कटिंग प्लांट होता है रोज़। इसके भी मैं 2-3 कलर लेकर आई हूँ। ये पिंक कलर का रोज़ है, ये देखिए इस तरीके से हमें इसकी स्टेम कटिंग बनानी होती है। थोड़े से मैच्योर्ड स्टेम होते हैं वो भी लग जाते हैं। ये भी रोज की ही स्टेम कटिंग है,
साथ में ये है पोर्चुलाका की स्टेम कटिंग। पोर्चुलाका भी बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं और इनकी स्टेम कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसकी ये दूसरी वैरायटी है और दूसरा कलर है, ये आप दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हैं। ये हिबिस्कस है। नेक्स्ट है ये मनी प्लांट की स्टेम कटिंग। मनी प्लांट भी बहुत ही इजिली ग्रो हो जाता है इनकी स्टेम कटिंग से, वाटर और सॉइल दोनों में ही। और ये है बुगनविलिया की स्टेम कटिंग। बुगनविलिया भी काफी खूबसूरत प्लांट होते हैं जिसमें विंटर में बहुत सारी ब्लूमिंग होती है, कई सारी कलर में होते हैं, रेड, येलो, पिंक, और क्रोटोन की भी कटिंग लग जाती है। जैसे ये क्रोटोन की कटिंग है, ये है गोल्डन डस्ट क्रोटोन और इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। इसको भी हम लगाएंगे और ये सारे बुगनविलिया की स्टेम कटिंग है। ये है कैलेंचो। कैलेंचो की भी स्टेम कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी और कैलेंचो भी विंटर में ब्लूमिंग करते हैं, बहुत सारे फ्लावर इसमें आते हैं अनेकों कलर के, रेड, येलो, वाइट, पिंक, और ये जो होते हैं सकलेंट ही होते हैं एक तरह की, तो इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। सिंगल डबल पेटल के भी फ्लावर इसमें आते हैं। और ये है जेट प्लांट की स्टेम कटिंग। जेट प्लांट की स्टेम कटिंग भी लग जाती है काफी ईजिली, बहुत ही अच्छा ये कटिंग प्लांट होता है। ये जो होते हैं परमानेंट सकलेंट होते हैं, हैंगिंग पॉट में भी ये काफी अच्छे लगते हैं। मेरे पास पहले से जेट प्लांट की कई सारी वैरायटी थी पर ये छोटे लीफ वाले जेट प्लांट मुझे अच्छा लगा, तो इसकी स्टेम कटिंग भी मैं लेकर आई हूँ अपने होम टाउन से। और दोस्तों जो प्लांट के शौकीन होते हैं उन्हें कहीं भी अच्छा प्लांट मिल जाता है, रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है, नर्सरी में या घर पे या अपने दोस्तों के यहाँ, तो वो उसकी कटिंग या प्लांट जरूर ही लेकर आते हैं, चाहे किसी भी तरीके से लेकर आए। तो सबसे पहले हम कटिंग प्लांट लगा लेते हैं एक एक करके, नहीं तो कटिंग प्लांट खराब हो जाएंगे। पहले मैं हिबिस्कस लगाऊंगी, हिबिस्कस की कटिंग। इसके लिए मैंने ये मीडियम साइज का पॉट सेलेक्ट किया है। इसमें जो प्लांट है पुराने प्लांट, इसको हम निकाल देंगे। ये पेडेस्टेंटिया है जो पूरे रूट को बाउंड कर दिया है, काफी अच्छे तरीके से ये पूरे मिट्टी में फैल जाते हैं, इनको हमें पूरा ही निकालना पड़ेगा। इसमें हमने 10% सॉयल, 10% कोकोपीट और 40% कंपोस्ट, कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट भी हो सकता है, गोबर का खाद भी हो सकता है, और 40% गार्डन सॉइल लिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा फर्टाइल रिच सॉइल है। पॉटिंग मिक्स हमेशा ही रिच क्वालिटी का लीजिए ताकि प्लांट इसमें काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर सके लंबे टाइम तक। तो ये हमने पॉट तैयार कर लिया है हिबिस्कस की कटिंग लगाने के लिए। ये है एक हिबिस्कस, इसको सबसे पहले हम यहाँ से कट करेंगे। और जो हम प्लांट कटर लेंगे बिल्कुल ही सैनिटाइज कर लेंगे अच्छे से ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो इसमें। तरीके से हमें तिरछा कट लगाना है कटिंग में और ये कटिंग एक हमारी तैयार हो गई है हिबिस्कस की। हिबिस्कस की कटिंग तो बहुत ही इजीली लग जाती है बट यहाँ पर मैंने लिया है फास्ट रूट्स ग्रोथ के लिए रूटिंग हार्मोन। रूटिंग हार्मोन से जो स्टेम कटिंग है इसमें बहुत ही जल्दी और इजीली रूट ग्रोथ हो जाती है। ये रूटिंग हार्मोन इस तरीके से वाइट पाउडर फॉर्म में मिलता है, ये किसी भी प्लांट के शॉप में और नर्सरी में ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। ये हर एक गार्डनर के पास होना ही चाहिए क्योंकि जितने भी हम कटिंग वगैरह लगाते हैं इसमें 100% गारंटी होता है कटिंग के सक्सेसफुल होने का और जल्दी भी रूट ग्रोथ हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसमें डिप कर देंगे और ये देखिए एक्स्ट्रा पाउडर को हम इसमें डस्ट आउट करके बाकी हमें इसमें डिप कर देना है। सॉइल काफ़ी सॉफ्ट है, ऑलरेडी इसमें मॉइस्चर है पहले से, तो ये आसानी से हो गया है। लगभग 1 या 2 इंच इसमें हमें डिप कर देना है हिबिस्कस को। और एक ये हिबिस्कस है जो देसी हिबिस्कस मैंने आपको बताया हुआ है, कभी हम यहाँ पे टॉप पे कट कर देंगे, एक्स्ट्रा लीफ भी कट कर देंगे, एक्स्ट्रा लीफ कट करने से भी रूट ग्रोथ जल्दी होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती और ईजिली ग्रोथ हो जाती है। इसे भी हम इस तरीके से काट देंगे इनके स्टेम्स को। और एक ये हिबिस्कस की स्टेम कटिंग तैयार है। और इसे भी हम डिप कर देंगे
और जब ये दोनों काफ़ी अच्छे से लग जाएंगे, हमें लगेगा कि ये प्लांट लग चुका है, इसे हम अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट कटिंग प्लांट है ये बोगनवेलिया। बोगनवेलिया की भी स्टेम कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है और ये भी कई सारे कलर में आते हैं, पिंक, रेड, येलो, वाइट। और ये वाइट कलर का बोगनवेलिया के स्टेम कटिंग मैं लेकर आई हूँ। इसके स्टेम्स में थोड़े से थॉर्न भी निकले होते हैं, बट ये विंटर में बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग में होते हैं। और जो लाका भी बहुत ही बढ़िया स्टेम कटिंग प्लांट होते हैं, जो एक तरह से वाइन भी कह सकते हैं, और ये सकुलेंट भी होते हैं क्योंकि इनके स्टेम्स जो होते हैं इसमें भी वाटर होता है। जितने भी पोर्चुलाका है इसके लिए मैंने हैंगिंग पॉट ले लिया है। इस फ्लावर की खासियत है कि सनराइज होने पर ही इसमें ब्लूमिंग होती है और ये इतने ईजिली लग जाते हैं कि इसमें किसी भी तरह का रूटिंग हार्मोन लगाने की जरूरत नहीं है। इसको बस हमने इस तरीके से स्टेम लिया और यहाँ पे हल्का सा होल करके इसमें डिप कर देंगे। बस अभी हमें थोड़ा सा इसको ठंड में बचाना है। इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे बहुत ही अच्छी धूप आती होगी और मॉर्निंग की धूप इसे मिलती रहे 2-3 घंटे की। ये बहुत ही जल्द पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये प्लांट भी और बहुत सारे कलर में आते हैं। ये देखिए, ये वेराइटी इसकी दूसरी है और इनके कलर भी अलग अलग होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, वाइट। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, मुझे काफ़ी पसंद है ये। इन सबको हम जगह जगह पे इस तरीके से होल करके बस इसमें हम स्टेम डिप कर देंगे और आप देख सकते हैं मैं इसमें कोई भी रूटिंग हार्मोन नहीं लगा रही हूँ। विदाउट रूटिंग हार्मोन भी ये लग जाते हैं, काफ़ी डेलिकेट होते हैं ये प्लांट। एक ये पॉट हमने तैयार कर लिया पोर्चुलाका का। ये है क्रोटोन। क्रोटोन की भी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है। ये थोड़े 2 दिन पुरानी कटिंग हो गई है इसलिए इसे हम फ्रेश करने के लिए इसमें कट लगा देते हैं और इसमें भी रूटिंग हार्मोन लगा लेंगे। और जैसे जैसे ये प्लांट लगते जाएंगे इन्हें हम अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर देंगे। इनके सॉइल को हम थोड़ा सा लूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें पहले मैंने बिगुनिया लगाया हुआ था और बिगुनिया और जो कैलेंचो है ये सारे ही सकलेंट प्लांट होते हैं तो इनको एक तरह का ही सॉइल चाहिए होता है। और ये बिगुनिया के बल्ब है, ट्यूबर या बल्ब जो हम बोल सकते हैं। और अभी हमारे नहीं रहने पर मंकियों ने काफ़ी बुरी तरह से बिगुनिया के बल्ब को और बिगुनिया प्लांट को हार्म किया हुआ है। अब ये प्लांट तो नेक्स्ट विंटर के लिए ही प्रिपेयर होंगे तो इसको मैं निकाल के स्टोर कर देती हूँ और मैं इसमें लगा देती हूँ कैलेंचो। ये सॉइल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसको हम कम कर देंगे। पॉट में हमेशा थोड़ा कम ही सॉइल रखेंगे क्योंकि जो होते हैं बीच बीच में हम इसमें टाइम टू टाइम कंपोस्ट भी ऐड करते हैं, वाटर भी हमें देना होता है तो इसमें 1-2 इंच की जगह बनी रहनी चाहिए। तो आप चाहे तो बीच बीच में मिट्टी को कम करके इसमें कंपोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। और डिगिंग तो बहुत ज़रूरी है पॉटिंग सॉइल की, टाइम टू टाइम, मंथ में एक बार तो ज़रूर करें। इससे जो अंदर की सॉइल होती है वो भी रिफ़्रेश हो जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है, नीचे की और ऊपर की सॉइल अंदर चली जाती है, मिक्स हो जाती है, जिस वजह से सॉइल जो है काफ़ी अच्छे से ब्रीथ करने लगते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और जो सॉगी होते हैं नीचे की तरफ वो भी ठीक हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। सारे ही पॉट में ड्रेनेज का ध्यान रखना है, जिसमें ड्रेनेज होल बना हो ताकि पानी अच्छे से निकल सके, जो एक्स्ट्रा वाटर है, क्योंकि जो हम जो फील्ड में लगाते हैं उसमें तो काफ़ी अच्छे से प्लांट के वाटर जो होते हैं वो सोख हो जाता है और निकल जाता है, बट पॉट में जो है वो किसी हद तक जाने के बाद पॉट के वाटर रुकने लगते हैं। तो हमेशा ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वाटरिंग करनी होती है और ड्रेनेज सिस्टम का भी ध्यान रखना होता है। कैलेंचो मेरे पास 3 स्टेम कटिंग है और अलग अलग डिफरेंट कलर है इसमें, येलो है, पिंक है, रेड है, क्योंकि ये सकुलेंट होते हैं और सकुलेंट की स्टेम कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है। सकुलेंट या कोई भी प्लांट छोटा छोटा हो या ग्रोइंग पीरियड में हो, इनकी रूट ग्रोथ हो रही हो, तो एक बड़े पॉट में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर इन्हें बहुत ज़्यादा पानी भी मिल जाता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है। इस तरीके से ये एक साथ कटिंग लगेंगे। नेक्स्ट प्लांट हम लगाएंगे जेड प्लांट। जेड प्लांट के लिए मैंने हैंगिंग बास्केट सेलेक्ट किया है क्योंकि जेड प्लांट जो होते हैं हैंगिंग बास्केट के लिए ही सुटेबल होते हैं। इसमें पहले से पिटूनिया लगा हुआ है, अभी स्नो की वजह से ये पिटूनिया ख़राब हो गया है। इसको हम निकालेंगे और इसके सॉइल को भी हम लूज करेंगे। मुझे जहाँ भी स्टेम कटिंग मिलती है, चाहे वो मेरा होम टाउन हो या मेरे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, मैं ज़रूर लेकर आती हूँ क्योंकि
मुझे पता है प्लांट की कीमत क्या होती है जब, और ये हमारे गार्डन में जब लगते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं। ये है जेड प्लांट की स्टेम कटिंग। जेड प्लांट वैसे मेरे पास है, बट ये थोड़ा सा मुझे एक थोड़ा सा अलग डिफरेंट वैरायटी का लगा, क्योंकि इसके लीफ जो है बहुत छोटे छोटे हैं। एक बड़े बड़े लीफ वाले भी होते हैं सेम इसी तरीके का, बट ये काफ़ी अच्छे से हैंग होते हैं। जेड प्लांट की स्टेम कटिंग भी ईजिली लग जाती है किसी भी सीजन में और किसी भी टाइम में। बस ये सकलेंट प्लांट है तो इसकी जो सॉयल होगी वो वेल ड्रेनिंग और सैंडी सॉयल होगी, जिसमें कंपोस्ट भी ऐड किया हुआ हो। हैंगिंग बास्केट को हम शेमी शेड में रखेंगे और इसमें रिक्वायरमेंट जब भी होगी तभी वाटरिंग देंगे, क्योंकि ये भी सकलेंट प्लांट होते हैं। सकलेंट की स्टेम कटिंग को काट के या लीफ को काट के थोड़ी दिनों के लिए छोड़ देते हैं, एक दिनों के लिए धूप में, एंड उसके बाद उसकी ये स्टेम कटिंग लगाते हैं। बट मैं इसी तरीके से उसी टाइम कट करके इंस्टेंट भी लगा देती हूँ, तब भी लग जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती। बट हमें उसके लोकेशन का और उसके सॉइल का ध्यान रखना होता है। छोटी से छोटी कटिंग भी आसानी से लग जाती है, जैसे यहाँ से मैं एक और कटिंग ले लेती हूँ और इसे भी मैं लगा दूंगी और ये भी बहुत ईजिली लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेम कटिंग है रोज़ प्लांट की, और इसी तरीके का स्टेम कटिंग हम ले सकते हैं। और ये अलग अलग कलर का रोज़ प्लांट है, इसमें भी हम रूटिंग हार्मोन लगा देंगे। यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। सारी स्टेम कटिंग मैं एक ही जगह लगाती हूँ, एक ही पॉट में, और जैसे जैसे ये लग जाएंगे वो पता चल जाता है, उसको हम अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। अभी हम अलग अलग पॉट में इसको इंगेज नहीं करेंगे, हमें रेगुलर वाटरिंग करनी है। इनके सॉइल को मॉइस्ट बनाए रखना है और शेड में ही रखना है जब तक इनकी कटिंग अच्छे से लग नहीं जाती।